नमस्कार दोस्तों, सफलता 2021 कार्यक्रम में हम क्या करने वाले हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस वीडियो के अंतर्गत हम देने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से प्रीलिम्स के लिए डिजाइन किया गया है। मेंस का यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया जाएगा। प्रीलिम्स परीक्षा पास करने के वो सारे प्रयास यहाँ पर किए जाएंगे जो जरूरी होते हैं, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। सफलता 2021 एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें कम मेहनत करके आप प्रीलिम्स पास कर सकते हैं, ये प्रयास हम यहाँ पर करेंगे। यूपीएससी का एग्जाम जो प्रीलिम्स का हो रहा है, निश्चित तौर पर इसके लिए भी ये लाभदायक है, लेकिन यूपी कमीशन यानी कि यूपी पीएससी के दो एग्जाम, यूपी पीसीएस 2021 और आरओ एआरओ 2021 के लिए ये निश्चित तौर पर बेजोड़ कार्यक्रम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, क्या क्या हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, इस पर हम एक चर्चा करने जा रहे हैं। और इस चर्चा का उद्देश्य केवल इतना है कि आप जान जाएं, आप समझ जाएं कि ये कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया है। सबसे पहले जब आप एग्जाम देने चलते हैं तो सबसे पहली समस्या आपकी होती है क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। बहुत बड़ी ये समस्या होती है नए कैंडिडेट के लिए, ये बहुत बड़ी समस्या, और पुराने के लिए तब हो जाती है जब पेपर का जो नेचर है हर बार चेंज होता रहता है, हर बार नए प्रकार के पेपर आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलते हैं। और ऐसी स्थिति में दो चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। एक तो सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट के स्तर पर ही डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा हमको फोकस करना है, यानी कि हमारा फोकस्ड सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, और दूसरा है कि इस सब्जेक्ट में टॉपिक कौन सा हमको चूज करना चाहिए जिसको रिवाइज करके जाना चाहिए, यानी कि फोकस टॉपिक होना चाहिए क्या और किस चीज को हमको पढ़ना चाहिए। इन दोनों समस्याओं का समाधान हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आप स्टूडेंट हैं, आपके पास कभी कभी टाइम कम होता है, आपके पास कभी कभी समझ कम होती है, जिसके कारण से आप इन समस्याओं में उलझ जाते हैं और अपना अटेम्प्ट बेकार कर देते हैं। अपना अटेम्प्ट इस तरीके से आपका ये चला जाता है, जाया चला जाता है कि आप कोशिश तो पूरी करते हैं लेकिन उसमें आपको सफलता जो है वो इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी जो थी वो सही नहीं थी। तो सबसे पहला जो ये मुद्दा है कि इसमें इन चीज़ों को कैसे हम दूर करें, और इसको हम एक लाइन में अगर या एक वर्ड में कहें, दो वर्ड में कहें, तो इसको हम कह सकते हैं कि स्मार्ट स्टडी कैसे करें। स्मार्ट स्टडी का हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए, कहाँ से क्या चुने। तो सबसे पहले ये काम हम इस सफलता कार्यक्रम में करेंगे कि आपको उदाहरण के लिए अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो तीन भागों में हिस्ट्री ही, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, स्वतंत्रता संघर्ष जिसमें साथ में भी हम ले सकते हैं। इसमें कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो हर बार पूछे जाते हैं या इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है या जहां से प्रश्न आते ही हैं, ये आप हम पे छोड़ सकते हैं। हो सकता है हम यहां पर ऐसे चैप्टर आपको चुन के दें जो हर हाल में क्वेश्चन वाले हों, और हो सकता है कि आप उनको पढ़ें तो ऐसे चैप्टर आप पढ़ लें कि उसमें क्वेश्चन जहां से आते हैं उन टॉपिक्स में आप कम जोर दें और जहां से क्वेश्चन कम आते हैं उन पर ज्यादा जोर दे दें। ये एक छटाई का कार्यक्रम हम यहाँ पे कर लेंगे। कहने का मतलब स्मार्ट स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। जैसे सिंधु सभ्यता से आपने स्टार्ट किया प्राचीन भारत को पढ़ना, आप सिंधु सभ्यता पढ़े, सिंधु सभ्यता पढ़ने के बाद इतिहास पढ़ा आपने कि उसका स्रोत क्या है, ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उनका पूरा आपने विभाजन कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर सिंधु सभ्यता पर आप पहुंचे। सिंधु सभ्यता पर पहुंचते पहुंचते इतना दिमाग उलझ गया कि ये कैसे रिवाइज होगा, और पता चला उस साल इन दोनों चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन तो आया वैदिक काल से, या क्वेश्चन आया मौर्य से, मौर्योत्तर से आया, वहां तक आप पहुंचे ही नहीं। इस कार्यक्रम में ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। इस कार्यक्रम में हम जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो हम ऐसी स्ट्रेटजी लेके चलेंगे कि पहले ही हम आपको बता देंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हमको ये चैप्टर पढ़ने हैं और इन चैप्टर्स के अंतर्गत हमको इतना समय देना है। बहुत ज्यादा उलझाव नहीं, स्मार्ट स्टडी करना है, और स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि टाइम आपका बचे, टाइम कम लगे और जो स्टडी है, जो अध्ययन है वो ज्यादा हो। स्मार्टनेस का मतलब तो यही होता है ना, बाकी तो आप साल भर पढ़ते ही रहते हैं।
अब आप यहाँ पर यह भी प्रश्न कर सकते हैं कि पहले मैंने वैदिक काल पढ़ा दिया है, मैंने वैदिक काल 2-2.5 घंटे की क्लास ली है, उसके बाद में यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, इससे अच्छा 2-2.5 घंटे का वीडियो देख लें। बात ये नहीं है, अब हम वैदिक काल को घंटे भर के अंदर कवर करेंगे, अब हम वैदिक काल को उन चीजों पर फोकस करके कवर कर लेंगे जहां से प्रश्न निश्चित तौर पर आते हैं या जो प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य होगा कि स्मार्ट स्टडी, क्या पढ़े क्या छोड़े, ये कंफ्यूजन हम सबसे पहले दूर करने का प्रयास करेंगे। दूसरी जो चीज होती है कि कोई भी टॉपिक जब आप उठाते हैं, मान लीजिए कि आपने किसी भी सब्जेक्ट में टॉपिक चूज कर लिए, तो टॉपिक में भी अब कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और टॉपिक में कौन सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी कंफ्यूजन होता है, खूब कंफ्यूजन होता है। जैसे कोई भी टॉपिक जब आप उठाते हैं और खास करके जब जीएस के लिए आप पढ़ते हैं, तो जीएस का कोई ओर छोर नहीं होता है। जीएस का ओर छोर क्यों नहीं होता है, क्योंकि जीएस जनरल स्टडी है और स्टडी यानी अध्ययन, तो अध्ययन तो आप करते चले जाइए, छोटा सा कोई टॉपिक उठा लीजिए और उस पर आप अध्ययन स्टार्ट करिए और अध्ययन करते चले जाएंगे, वो खत्म होने का नाम नहीं लेगा। लेकिन कहीं तो स्टाप लगाना पड़ेगा ना, जीके में आप इसको समेट नहीं सकते। जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज और जीके जनरल नॉलेज केवल इंट्रोडक्शन मात्र में रह जाता है। के बारे में, भारत के बारे में आपको जीके पढ़ना है तो 20 पॉइंट में आप उसको समाप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको जीएस करना है तो 20 मोटी किताबें भी कम पड़ जाएंगी। जीके और जीएस के बीच में हम कैसे इस टॉपिक को सेट करें, कौन से कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से यहां पर फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमको करना है टॉपिक में कौन सा। अब जैसे अब इस कैसे तैयार होगा कॉन्सेप्ट जो है, अब इस कॉन्सेप्ट पे हम कुछ क्वेश्चंस जो पहले पूछे गए हैं उनको देखें और उनके आधार पर, यानी कि ओल्ड ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखें, उनके आधार पर हम निर्धारित करें, ये काम हम कर लेंगे। और फैक्ट पे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आधार पर हम ये निर्धारित कर लें कि कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक जो है अब ये कैसे प्रिपेयर हो पाए, कैसे ये अंतिम रूप से आपके साथ एग्जामिनेशन हॉल तक चला जाए जिससे कि आप प्रश्न अपना सही कर लें, ये काम हम करेंगे। तो इसके अंतर्गत हमको करना क्या पड़ेगा, हमको इसके अंतर्गत क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। तो जब हम पढ़ाई कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस को ध्यान में रख के चलेंगे। हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि बस हमने फैक्ट पढ़ लिया, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि हमने बस कॉन्सेप्ट देख लिया, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का पूछा जाना कितना इंपॉर्टेंट है या इस कॉन्सेप्ट के पूछे जाने की संभावना कितना है ये भी देखते चलेंगे। तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को कैसे प्रिपेयर करके कैसे लेके जाना है एग्जामिनेशन हॉल तक, ये भी हमको करना ही है। क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन की फिर हमको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। जो भी चैप्टर हम डिस्कस करेंगे उसका जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन होंगे उनका आपको कलेक्शन मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, और प्रैक्टिस करने के बाद में आप उसमें हर तरीके से तैयार हो जाएंगे, फैक्ट के रूप में भी और कॉन्सेप्ट के रूप में भी, और क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बाद में। इसमें कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको होता है, कहीं पे भी आप कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूजन की स्थिति में हम फिर से डिस्कशन कर लेंगे कि हाँ क्या कंफ्यूजन है और कैसे इसको मतलब तैयार करना है, कहां से आपको समस्या आ रही है, ये सारी चीजें हम कर लेंगे। बात समझ में आ गई। ये दो तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं और एक तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि बहुत ज्यादा और इंपॉर्टेंट है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो सिलेबस है हमारा, सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सिलेबस है, आप ये कह सकते हैं खूब मतलब बिग सिलेबस है, बड़ा सा सिलेबस है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब हम रिवीजन करें तो रिवीजन में क्या रिवीजन करें और क्या छोड़ दें, है ना। रिवीजन करना भी है, सब कुछ छोड़ा भी नहीं जा सकता, मैक्सिमम चीजें तो हमको पढ़नी ही पड़ती हैं। तो रिवीजन हम कैसे करें, और रिवीजन करने का मेन मुद्दा नहीं है, हमारे पास टाइम बहुत नहीं होता है। आज आपको लग रहा है कि बहुत सारा समय है, 4-5 महीने का समय है, सब पढ़ जाएगा, जब 1 महीने का बचेगा तो लगेगा कि जो 4-5 महीने पहले था वही स्थिति अभी भी बरकरार है। कई बार ऐसा होता है, सबके साथ नहीं, बहुत लोग उसको स्ट्रेटजी बना के अच्छे से टाइम बांट के 10-15 दिन का एक सब्जेक्ट या डेली के हिसाब से उसको लेके चल रहे होंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जिनको समझ में नहीं आता है कि कैसे इसको करें। तो ये जो सिलेबस है, इतना बड़ा बड़ा सिलेबस, बड़ा सा सिलेबस, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आपने छांट लिया, उसका भी रिवीजन करना एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो रिवीजन कम समय में कैसे करें,
कम समय में कैसे करें, और कम समय में रिवीजन करके केवल आपको ये खाना पूर्ति तो करनी नहीं है, इसमें क्वालिटी भी बनी होनी चाहिए। तो क्वालिटी के साथ कैसे करें, यानी कि पढ़ें भी और क्वेश्चन भी कैसे प्रैक्टिस कर लें जिससे कि ये हो जाए। तो एक तो ये बहुत बड़ा समस्या का समाधान इस सफलता जो 2021 हमारा बैच है इसमें हम कर डालेंगे। बहुत बड़ी समस्या ये होती है कम समय में और क्वालिटी बेस्ड रिवीजन हम कैसे करें, ये समस्या जो है हमारी ये यहाँ पर हम दूर कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम छाटेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पर हम छाटेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ टॉपिक में भी हम छाटेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसलिए कम समय में हम इसको कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। मतलब यहाँ पर ये निश्चित है कि मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पूरी मोटी मोटी किताबें मैं यहाँ पर रटाऊंगा, लेकिन यहाँ पर इतना जरूर हो जाएगा, यहाँ पर जितना प्रयास होगा वो इस दृष्टि से होगा कि आप कम समय में रिवीजन कर पाए और क्वालिटी ओरिएंटेड रिवीजन कर पाए, क्वालिटी उसमें आपकी बनी रहे। कम समय का मतलब ये ना हो कि सब स्किप करते आप चले गए, ठीक है। तीसरी एक चीज होती है टाइम मैनेजमेंट की एग्जामिनेशन हॉल में। यहां पे तो टाइम रिवीजन करने का आपको नहीं मिलता है या नहीं कर पाते हैं। एक टाइम मैनेजमेंट होती है बहुत मुश्किल चीज एग्जामिनेशन हॉल में कि आप टाइम कैसे मैनेज करें, एग्जाम्स में टाइम मैनेजमेंट कैसे होता। यह है कि कई बार बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस जो है वो वहाँ पे छूट जाते हैं, क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं वहाँ पे छूट जाते हैं। बहुत सारे लोगों के जब टाइम कम पड़ता है तो जो क्वेश्चंस हैं वो जो बबल्स भरते हैं, जो गोले बनाते हैं, वो गोले गलत बन जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग पूरा पेपर पढ़ नहीं पाते हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें। और इसके टाइम मैनेजमेंट का कोई 5 मिनट का वीडियो या 10 मिनट का वीडियो आपको बता दिया जाए कि ऐसे ऐसे आपको करना है, इससे कुछ नहीं होगा। मैं भी बताता हूं, सब लोग बताते हैं, लेकिन इससे होता कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो चीज है वो है प्रैक्टिस की, और ये प्रैक्टिस एक दिन की चीज नहीं है, प्रैक्टिस की जाती है डेली, है ना। आप डेली क्वेश्चन करें, 100, 50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, जो भी आपकी स्ट्रेटजी हो या जो क्षमता हो या जैसी आपकी आवश्यकता हो, इस तरीके से करें। आप मुझे पर्सनली जब मैसेज करेंगे और बताएंगे कि हाँ ऐसी ऐसी हमको समस्या आती है, सफलता 2021 बैच में जो आप कर रहे हैं डिस्कशन उसमें ये समस्या हमको आ रही है, तो मैं उसमें आपकी हेल्प करूंगा। प्रैक्टिस आपको जब डेली मिलेगी, डेली आप प्रैक्टिस करेंगे, मजबूरन आपको करना ही पड़ेगा, तो वो आपकी बन जाएगी आदत। अब डेली जब हम आपको दे रहे हैं 50 क्वेश्चन की, इसको तैयार ही करना है, और जब ये आदतन आप करने लगेंगे और डेली ये आपकी रूटीन में आ जाएगा, तो ये जो समस्याएं हैं ये आपकी दूर हो जाएंगी। जो क्वेश्चन छूट रहे थे, स्पीड अप बना के आप करेंगे, क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड तेज आपकी होगी, वो क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। जो गोले गलत आप भर रहे थे, आप यहां से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो हर हाल में राइट आंसर की तरफ जाने लगेगा, क्योंकि रोज आप वही काम कर रहे हैं, डेली आप काम कर रहे हैं। आप डायरेक्ट जाके एग्जामिनेशन हॉल में ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी तो समय पढ़ते ही रहते हैं, टेस्ट आप नहीं करते। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टेस्ट। आप एग्जामिनेशन जो करने जा रहे हैं वो एग्जाम आप घर पे देते हैं, 10, 15, 20 टेस्ट, 50 टेस्ट आपने घर पे कर लिए और उसके बाद में वहां पे गए, तो आपको जैसे घर पे किया है वैसा ही लगेगा, तो आपको डर नहीं लगेगा। तो यहां पे कहीं ना कहीं एक प्रेशर की बात होती है, और प्रेशर जो मैनेज कर ले जाता है, प्रेशर मैनेजमेंट जिसका सही है, ये स्किल जिसको आती है, तो उसके ये सब छूटने का, गोले गलत होने का और क्वेश्चन ना पढ़ पाने का, ये सब जो समस्याएं हैं इनका समाधान हो जाता है। और ये तभी दूर होगा जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। बात समझ में आ गई? डेली जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये दूर हो पाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक 5 मिनट में आपको बता दे और सब हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये तीसरी एक समस्या ये है कि जब भी आप पेपर देने जाते हैं, आजकल का जो पेपर है उसमें लगभग हर जगह तो नेगेटिव मार्किंग है, खास करके ये जो सिविल सर्विसेज के जिन एग्जाम्स की बात की, यूपीएससी, यूपीपीएससी और आरओ की, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग को कैसे आप मैनेज करते हैं, नेगेटिव मार्किंग को आप कैसे मैनेज करते हैं? कई बार लोगों का कहना होता है कि नेगेटिव मार्किंग ना होती तो हमारा प्रीलिम्स पास हो जाता है ना, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग का होता है कि एक क्वेश्चन आपने सही किया और 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, तो 1/3, 1/3, 1/3, ये 3 बार आप जोड़िए इसको, तो ये 1 क्वेश्चन के बराबर हो गया, 1 क्वेश्चन के। और ये क्वेश्चन यहां से ये बेकार खत्म हो गया, यानी कि आपने 3, 1 सही किया 3 गलत किया, तो आपका स्कोर 0 हो गया,
बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट तो है ही है, इस गलती को रोकना तो जरूरी है ही है, पास करना है तो। ये कैसे मैनेज हो पाएगा, कैसे आपको क्वेश्चंस निकालने हैं? डायरेक्ट फैक्ट आपको सब नहीं आते रहते हैं, डायरेक्ट फैक्ट सारे क्वेश्चंस को आप अगर सोचेंगे कि डायरेक्ट फैक्ट के माध्यम से करेंगे तो सारे फैक्ट आपको याद नहीं होते हैं। सारे कॉन्सेप्ट आपके, अगर आप डायरेक्ट सोचें तो सारे कॉन्सेप्ट आपके डायरेक्ट आपको हेल्प नहीं करेंगे कि डायरेक्ट आपको रटा हुआ है और आप उसको पढ़ेंगे बस तुरंत, है ना, टिक करेंगे, गोला बनाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है, और एलिमिनेशन मेथड से आपको क्या करना पड़ता है, आंसर निकालना पड़ता है, और ये भी आएगा प्रैक्टिस से। ये बताऊंगा मैं आपको क्लास में कि कहां से कैसे आंसर निकालते हैं, ये मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस सेशन में। जब आप क्वेश्चन करेंगे वहां समझ में नहीं आएगा, मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि यहां पर फैक्ट जो है वो जो पूछा जा रहा है आपसे, ये हो सकता है आपको डायरेक्टली ना याद हो, लेकिन इसका आंसर आप निकाल सकते थे, इसका आंसर आप निकाल सकते थे कॉन्सेप्ट में भी। कैसे ये सब काम, ये कोई ऐसा चीज नहीं जिसका एक दिन सेशन लिया जाए आधे घंटे एक घंटे का, ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। आपको पता भी नहीं चलेगा, डेली की क्लास में हम डिस्कस करते रहेंगे और आप आंसर निकालना कब सीख गए, कब आपको ये चीजें पता चल गई। ये कोई एक सेशन की बात नहीं है, ये मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं। आप सोचे कि नहीं इस पे एक क्लास होगी, चार दिन इस पे लेक्चर चलेगा, ये लेक्चर वाली चीजें नहीं है, ये प्रैक्टिस की चीजें हैं। और ये जो चीजें हैं ये आपको एक दिन में आ भी नहीं सकती, लगातार प्रैक्टिस होगा, डेली आप इस पे जब वर्क करेंगे तब ये आपको आएंगी। बात समझ में आ गई? अब अंतिम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो आरओईआरओ का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, इसमें कट ऑफ कितना जाएगा। कट ऑफ एक बहुत बड़ी समस्या होती है, और कट ऑफ की जो ये समस्या है, कट ऑफ की ये समस्या सबसे बड़ी तब बन जाती है जब आप बॉर्डर लाइन पर कट ऑफ करते हैं, मतलब वो स्कोर करते हैं, सॉरी स्कोर करते हैं, और तब आपके मन में एक संशय रहता है कि मेंस देंगे या नहीं दे पाएंगे, मेंस तैयार करें या अगले प्रीलिम्स की तैयारी करें, या फिर हम क्या करें अब जब तक रिजल्ट नहीं आता है। बहुत ये एक खराब स्थिति होती है, बहुत वापो की स्थिति होती है। मैं आपको वैसे यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये कोई निश्चित वो नहीं मानिएगा कि बिल्कुल इतना ही ऐसे जाता है कट ऑफ या कुछ है, पेपर के नेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन किसी भी पेपर में जो यूपीपीसीएस का एग्जाम खास करके हो रहा है, यूपीएससी छोड़िए, यूपीएससी में और कम कट ऑफ जाता है, यूपीपीसीएस और आरओईआरओ की अगर आप बात करें, आरओईआरओ के एग्जाम में क्योंकि हिंदी भी जुड़ जाता है तो हिंदी का अलग से हम बैच लॉन्च कर रहे हैं, उसमें अलग से वो चलेगा। लेकिन जीएस की अगर बात करें तो आपका टारगेट 70% का होना चाहिए, यानी कि 150 क्वेश्चंस अगर पूछे जा रहे हैं तो 70% का यहां पर मतलब क्या हुआ, 70% का यहां पर मतलब हुआ 105, 100 से ऊपर का आपको टारगेट लेके चलना चाहिए। अब कई लोग यहां कहेंगे अरे इतना कैसे हो पाएगा, इतना क्या कौन कर पाएगा। मैं करने की बात नहीं कर रहा हूं, इतना कम से कम टारगेट होना चाहिए। हो सकता है कि आपका ये 105 का टारगेट भी अचीव हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप इतना टारगेट लेके चलेंगे तो हर हाल में आप 97-98 क्वेश्चन के आसपास पहुंच जाएंगे। सामान्य पेपर जब आएगा, ठीक ठाक पेपर आएगा तो कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जाएगी, इतने में हो जाएगा। सरल पेपर आएगा तो 100 से ऊपर कट ऑफ चली जाएगी या 100 के बराबर जाएगी। अगर 10-5 क्वेश्चन टफ आ गए तो ये 95 के आसपास, 92-93 के आसपास, 90 के आसपास भी चली जाएगी। बाकी डिपेंड करती है कि सीट्स हैं कैसी, कितनी नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन सब पे डिपेंड करता है। लेकिन 70% आपको लेके चलना है, इसीलिए आरओ में भी अगर आप निकालेंगे तो आरओ का भी कुछ ऐसा ही आपको निकल आएगा। 98 क्वेश्चन लगभग यहाँ पे आपको 140 होते हैं ना, यहाँ पे तो 140 में इतना, तो ये कैसे मेंटेन करें, 70% के लगभग का टारगेट कैसे टच करें, ये कैसे कर पाएंगे। जब आपकी स्मार्ट स्टडी होगी, जब आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना आएगा, जब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद जो भी कंफ्यूजन है उनको घर पे ही दूर आप कर लेंगे, करते चले जाएंगे, और आपको कंफर्ट जोन में आ करके तब एग्जामिनेशन देने जाना है, उसके बाद आपको ये सपना देखना है कि 70% आपके
स्कोर हो जाएंगे, 70% के लगभग आप कर पाएंगे, टारगेट आपका ये है। तो ये काम भी हम इसमें करेंगे, यानी कि हमारा यहां पर टारगेट होगा कि 70% के आसपास क्वेश्चन हम कैसे ठीक ठाक करें। ये क्या है, आफ्टर निगेटिव मार्किंग, इतना करके नहीं आना है, करना तो आपको और ज्यादा है। मैं तो आपको तैयार करूंगा 150 क्वेश्चन में कम से कम 135 सॉल्व करने का, है ना। इतने पे आपको रिस्क लेना है, इतने पे आपको मतलब एग्जामिनेशन हाल में गोला बना के आना है, इतना करके आना है, तब तो आपके सही होंगे इतने। नहीं तो पता चला आप शुरू में ही 105 ही क्वेश्चन करके आए हैं, तो 20 तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे, बच्चे 85, और 85 में 7-8 और कम हो गए, 80 के नीचे आप आ गए। तो स्कोर लाने के लिए आपको प्रैक्टिस भी तो करना पड़ेगा, आपको रिस्क भी तो लेना पड़ेगा, है ना। और ये 135 करने का जो रिस्क है, ये सामान्य कैंडिडेट नहीं ले पाएगा, जो प्रैक्टिस करके जाएगा वही ले पाएगा। तो ये प्रैक्टिस रोज चलने वाली चीज है, ये सफलता में हम करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। कंप्लीटली अगर कहा जाए तो 2-3 चीजें जो यहाँ पे सबसे प्रमुख हमारा मुद्दा होगा, एक तो हम कह सकते हैं कि स्मार्ट स्टडी, दूसरा हम कह सकते हैं टाइम मैनेजमेंट, तीसरा हम कह सकते हैं स्मार्ट स्टडी में ही वो चीज आ गई है, और मतलब तीसरा आप ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करें, और चौथा हम कह सकते हैं कि टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, और पांचवा हम कह सकते हैं कि अंतिम तौर पर हम इसको कैसे पास कर जाएं। मतलब मेन उद्देश्य तो यही है हमारा कि इसको हम पास कैसे कर जाएं। लास्ट जो पर्पस हमारा है इस कार्यक्रम का, वो क्या है, आपके ज्वाइन करने का भी और हमारे इसको चलाने का भी, कि हम अंतिम तौर पर इस पास कैसे कर जाएं, ये इसका उद्देश्य होगा। अब इस सफलता कार्यक्रम में जैसे हमने मान लीजिए कि हिस्ट्री स्टार्ट की, अब हिस्ट्री में हमने आपको लिस्ट दे दिया कि प्राचीन भारत में हमको फला फला चैप्टर डिस्कस करने हैं, प्राचीन भारत में हमको वैदिक सभ्यता डिस्कस करनी है, बाकी 2 चैप्टर आप बेसिकली जानते रहते हैं उसको हम छोड़ देंगे। वैदिक सभ्यता हमने डिस्कस की, मौर्य काल हमने डिस्कस किया, प्राचीन में गुप्त काल हमने डिस्कस किया, गुप्त गोत्तर डिस्कस किया, और प्राचीन को यहीं पे खत समाप्त किया। इसमें भी हम इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान देंगे, फालतू की चीजों पर नहीं, जहां से प्रश्न नहीं आते हैं, क्योंकि ये जो सारी चीजें पढ़ने का समय है वो एग्जामिनेशन हाल में जाने से पहले का नहीं होता है, वो एग्जाम की तैयारी शुरू करने के समय का होता है। वो एग्जाम जब आप अभी टारगेट कर रहे हैं कि 6 महीने बाद है, साल भर बाद है, तब आप करिए वो सब काम, लेकिन एग्जाम जब आपका बिल्कुल पता है कि इस डेट पे है, तो आप अपने को तैयार करिए, और उससे समय मिल जाएगा तो आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे वैदिक काल डिस्कस किया, और वैदिक काल डिस्कस करने के बाद में यहाँ पर जितना भी डिस्कशन हुआ उसमें कुछ आपको एक पीडीएफ दे दिया गया, है ना, वैदिक काल का ही ये पीडीएफ, जैसे चैप्टर डिस्कस हुआ और 2-4 पेज का पीडीएफ दिया गया कि इसको यहां से रिवाइज कर लेना। यहीं पे आपको क्वेश्चंस दे दिए गए, जो भी 30-35-40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जहां पे जिस चैप्टर में जो बनेंगे, 10 भी बन सकते हैं, 50 भी बन सकते हैं, 20, उनको प्रैक्टिस के लिए आपको दे दिया गया। तो आपका तुरंत क्लास हुआ, क्लास के बाद रिवीजन हुआ, रिवीजन के बाद में क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई। हिस्ट्री से ही हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसे फिर ज्योग्राफी में, ऐसे ही पॉलिटी में, इकोनॉमी में, ऐसे हम करते चले गए। अब इकोनॉमी में लोग परेशान रहते हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ते रहते हैं, कुछ चैप्टर हैं जिनको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट उनका हमको करना है, और उसके बाद में करंट से रिलेट करना है। ऐसे ही हमने करंट पे भी इस पे हमको बहुत वर्क करना है ये पूरे कार्यक्रम में। जनवरी से पूरा उठाएंगे करंट, क्योंकि आपका एग्जाम अब जो हो रहा है अक्टूबर में हो रहा है, तो लास्ट ईयर का करंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा, 8-10 महीने का रहेगा, तो मैक्सिमम हम जनवरी से उठा लेंगे, और वहां से हर महीने का इंपॉर्टेंट करंट कुछ सेशन हम रख लेंगे, तो हर महीने में कम से कम ये मान के चलिए 20-25 ऐसी घटनाएं होती हैं जो पूछी जाने वाली होती हैं, जिनको आप छोड़ के नहीं जा सकते। बाकी तो करंट का और छोड़ इसलिए नहीं होता क्योंकि बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, और पूरे विश्व के स्तर पर करंट को कवर किया जाता है, तो उसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जो कि आप सुने नहीं होंगे, लेकिन 70-80% क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनके बारे में आप खूब जानते हैं, उनको हम कवर करते चलेंगे। उन पे हमको आपको पीडीएफ भी देना रहेगा, उन पे हमको आपको क्वेश्चन भी देना रहेगा, दोनों लोगों को इस तरीके से तैयार करना रहेगा कि हम यहां पर जो आपको दे उसको आप अच्छे से तैयार कर ले। तो इस तरीके से ये कार्यक्रम हमारा चलेगा, तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े, और अच्छे अच्छे लोग जुड़े तो आपका कॉम्पिटिशन भी उसमें हो पाए, क्योंकि उसमें जब ग्रुप बनेगा, उसमें जब लोगों को एक दूसरे से डिस्कशन करने का मौका मिलेगा, तो और अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में,
जहां से हम स्टार्ट करेंगे अपनी हिस्ट्री की पढ़ाई। थैंक यू सो मच।